बिहार की शिक्षा विभाग एक तरफ जहां विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करने में लगी है, वहीं अभी भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहां की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। भागलपुर जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरारी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। दरअसल ये स्कूल भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन इस स्कूल में कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। स्कूल में बाउंड्री नहीं होने से यहाँ के बच्चे स्कूल से सटे हाईवे पर खेलने चले जाते हैं, जिससे उनकी जान का खतरा बना रहता है। वह क्लास 1 से 5 तक के लिए सिर्फ 2 ही क्लासरूम हैं, और वो भी काफ़ी छोटे छोटे, जिस वजह से काफ़ी परेशानी होती है। अब ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई किस तरीके से हो रही होगी। बच्चे स्कूल में सटे हाईवे पर चले जाते हैं और ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं असामाजिक तत्व जैसे लोगों का जमावड़ा लगा रहता है का दिक्कत है। और दूसरी बात, एक रूम में 3-3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा ना है। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग बराबर विभाग को रिपोर्ट देते हैं, बीच में लेटर भी आया है बाउंड्री वॉल का, उसका भी हम चर्चा किए हैं विभाग में लेटर के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, और जो सुविधा बच्चों को मिल रही है, सारी सुविधा बच्चों को मिल रही है अभी। हाँ। बगल में उसके लिए सजग रहना पड़ता है। कभी कभी बच्चा है गुड्डिये के लोभ में, अभी एक बच्चे को मारे हैं, लेकिन क्या करेंगे हम लोग। बाउंड्री के बॉल के चलते ऊपर चढ़ जाता है, ठोकर लग जाएगा, उसकी जिंदगी चली जाएगी और गार्जियन आके बोलेगा। हाँ, क्या नाम है? रंजन किशोर। कब से सेवा कर रहे हैं? 12 में आए हैं, 16 जून को। एक ही वर्ग में 3 क्लास चल रहा है, जिसे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है 3 क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है, और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा है कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा। और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। ये तो दिक्कत हो ही रही है, इसके लिए यहाँ टीचर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भवन? भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है, असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं, और आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। कब इस स्कूल में आप आई? 2007 में। 2007 में। और तब से अभी तक सेवा? अभी तक सेवा में है, और बिल्कुल टाइम से आना और टाइम से जाना। आपने कहा कि असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको लेके कभी आपने बड़े पदाधिकारी को इसकी सूचना दी? कई बार ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा कहीं से भी, अपने ऑफिस में तो हम लोग कही देते हैं, ऑफिस में ही तो कहेंगे ना। आश्वासन नहीं मिला है कि कई पदाधिकारी को तो नहीं बोले हैं, लेकिन अपने ऑफिस तक खबर जाता है कि असामाजिक तत्व आते हैं, परेशान करते हैं, और कई बार फ़ोटो भी हम लोग दिए हैं कि बरामदे पे पूरा सुअर आके बैठ जाता है, कई बार फ़ोटो गया है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी उधर से आश्वासन नहीं आया है। बाउंड्री वॉल का कोई भी, कई तरह की चिट्ठियाँ भी गई है, हमारे हेड सर दिए हैं, इसके पहले हमारे मुनीलाल सर दिए थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार के द्वारा जो सुविधा है, सब सुविधा जो स्कूल में मिलता है, यहाँ मिलता है? बाकी सुविधा तो मिलती ही है, बाकी जो सरकार की सुविधा है, ड्रेस बुक वो सब तो मिल रही है, लेकिन बाकी जो यहाँ मेन कारण मुद्दा है ये बाउंड्री का, जो कि बहुत दिक्कत, बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री जब सुरक्षा के मतलब से कुछ भी नहीं है, और सुरक्षित हम लोग सारे टीचर महसूस करते हैं, साथ में बच्चे भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। स्कूल के बगल में विक्रमशिला पूल है। हाँ, बच्चे खेलते हुए देखते हैं, और वो पूल पे चले जाते हैं, चले भी जाते हैं, जिसके कारण हमें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ अगर हो जाए तो उस दिन क्या होगा, और जाते भी हैं। इसलिए बाउंड्री होना बहुत अति आवश्यक है, इसके लिए सरकार को
कहा जाए। क्या नाम है? पूनम रानी।